हेलो एवरीवन, आज ये हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस की सीरीज़ का बच्चों सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने 6.1 की बेसिक कंडीशन देखे थे, जिसमें पता चलता है कि एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट कब बोलते हैं, है ना। तो ये वीडियो में आज हम क्या क्या कवर करने वाले बच्चों, तो ये वीडियो में हम लोग पहले एक रिकैप करेंगे थोड़ा सा कि हमने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा। उसके बाद हम एडिशनल कंडीशन देखेंगे इंडिविजुअल की कि उसको आर एंड ओ आर कब बोलते हैं। रेसिडेंट तो हमने सीख लिया था, पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब बोलते हैं वो सीखेंगे। ये बच्चों है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में, तो ये हम सीखने वाले हैं। उसके बाद हम दो सम्स करेंगे, दो प्रैक्टिकल सम्स ऑन इंडिविजुअल, और इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा तीसरा वीडियो, उसमें हम रेसिडेंशियल स्टेटस सीखेंगे ऑफ अदर देन इंडिविजुअल। तो पहले और दूसरे वीडियो में हम इंडिविजुअल का सीखेंगे और तीसरे वीडियो में हम अदर देन इंडिविजुअल, जैसे HUF हुआ, पार्टनरशिप फॉर्म हुआ, कंपनीज हुआ, उनके बारे में सीखेंगे, ठीक है ना। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, एक रीकैप करते हैं सबसे पहले। तो सेक्शन 6.1 में जिसको हम बेसिक कंडीशन बोलते हैं, तो बेसिक कंडीशन में दो कंडीशन है। 6.1a में कहा गया है कि एक इंडिविजुअल रेसिडेंट होगा अगर उसका स्टे इन इंडिया 182 डेज या उससे ज्यादा है। तो अगर कोई इंडिविजुअल हमारे प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है बच्चों, 18-19 प्रीवियस ईयर है, तो ये साल में अगर कोई भी इंडिविजुअल 182 डेज या उससे ज्यादा रह जाता है तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। और ये कंडीशन जो सेकेंड कंडीशन है बी, वो हम तभी चेक करेंगे जब फर्स्ट फुलफिल नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब उसका स्टे 182 डेज से कम है, तो फिर हम सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे। सेकेंड कंडीशन में बच्चों दो कंडीशन है, 1 और 2, और बीच में आप देख सकते हैं इधर मैंने कैपिटल में एंड लिखा है, मतलब सेकेंड में ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। और सेकेंड में कंडीशन है कि स्टे प्रीवियस ईयर में 60 डेज होना जरूरी है, एंड पिछले चार साल मतलब 18-19 छोड़ देना है, तो 17-18 देन 16-17 15-16 एंड 14-15, तो ये 4 साल का टोटल स्टे 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो वो इंडिविजुअल रेसिडेंट कहलाएगा। ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, अब ये रिकैप कर रहे हैं। अच्छा, कुछ इंडिविजुअल को हमने स्पेशल इंडिविजुअल नाम दे दिया था, और स्पेशल इंडिविजुअल मतलब वो लोग जिनको ये जो बी वाला कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऐसे कौन लोग हैं, तीन कैटेगरी है। इफ इज एन इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के लिए इस साल इंडिया छोड़ के जा रहा है। दूसरा है इंडियन सिटीजन हु इज गोइंग इन एन इंडियन शिप एज अ क्रू मेंबर। और तीसरे में दो कैटेगरी है बच्चों, तीसरे में इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अगर वो लोग इंडिया वापस आ रहे हैं, स्वदेश जैसे घर वापस आ रहे हैं, बट स्वदेश में तो वो परमानेंटली रह गया था, शाहरुख खान इधर विजिट के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब वो वापस जाने वाले हैं। तो वो तीनों कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल के लिए सिर्फ हम 6.1a ही चेक करेंगे, 6.1b हम उनके लिए चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम उसको ऐसे बोलेंगे कि 6.1b उनको एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये हो गया आपका बेसिक कंडीशन सेक्शन 6.1। तो अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट हो गया मतलब 6.1 या 6.1a या 6.1b दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गया तो वो रेसिडेंट है, तो फिर उसके लिए हम चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए जो कंडीशन है उसको हमने एडिशनल कंडीशन बोला है, और ये कंडीशन दिया है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में, ठीक है ना। तो ये कंडीशन क्या है बच्चों, दैट एन इंडिविजुअल इज आर एंड ओ आर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ ही इज रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 out of 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले 10 सालों में हर साल हमें 6.1 वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। हर साल का डिटेल हमें दिया होगा नंबर ऑफ डेज का, तो जैसे हमने पहले रेसिडेंट के लिए 6.1 देखा, वैसे हर साल के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, और वो पिछले 10 सालों में से एटलीस्ट 2 साल
वो रेसिडेंट होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा साल, ये एक कंडीशन है। अगेन यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इधर बीच में एंड लिखा हुआ है, एंड मतलब पहला और दूसरा दोनों कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे है एन इंडिविजुअल शुड स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। आप गौर कर सकते हो 730 मतलब दो साल होते हैं, 365 इंटू टू करेंगे तो, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो वहाँ पे चार साल में 365 दिन थे 6-1 में, पर यहाँ पे सात साल में 730 डेज है। तो अगर कोई इंडिविजुअल ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, दोनों बोथ, देन ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो वापस इसको रिकैप करते हैं, यहाँ पे पहले कंडीशन क्या है बच्चों, पहले कंडीशन में ही शुड बी रेसिडेंट इन एटलीस्ट टू, मतलब मैं रिपीट कर रहा हूँ, 6-1 जो हमने चेक किया था वो हर साल के लिए हमें चेक करना पड़ेगा पिछले 10 साल में, कि वो कौन से साल में रेसिडेंट था, कौन से साल में नॉन रेसिडेंट था। तो कम से कम दो साल में वो रेसिडेंट होना ज़रूरी है। देन सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए, और सेकेंड कंडीशन ये है कि पिछले सात सालों में टोटल स्टे उसका 730 डेज होना चाहिए। ठीक है, ये जो पूरा चीज़ है उसको हमने टैबुलर फॉर्म में यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट किया है, कि एक इंडिविजुअल के तीन स्टेटस हो सकते हैं, या तो वो आर एंड ओ आर हो सकता है, आर एंड ओ आर मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर वो हो सकता है आर बट एन ओ आर, या तीसरा हो सकता है एनआर। तो वो आर एंड ओ आर कब होगा, जब वो बेसिक में से कोई भी एक फुलफिल कर रहा है, 6-1 ए या 6-1 बी, दोनों में से कोई भी एक फुलफिल कर रहा है एंड एडिशनल दोनों कर रहा है, तो वो रेसिडेंट हो गया और फिर एडिशनल फुलफिल कर रहा है, इसलिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो गया। अगर वो बेसिक में से एक तो फुलफिल कर ही रहा है, कोई भी एक, तो वो रेसिडेंट हो गया, बट एडिशनल में या तो एक ही कर रहा है या एक भी नहीं कर रहा है। एडिशनल में दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है बच्चों, तो अगर वो कोई भी एक फुलफिल कर रहा है या एक भी फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो हो जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर बेसिक की एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, मतलब 6-1 नहीं हो रहा है, मतलब 6-1 के ए और 6-1 बी दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो इंडिविजुअल उस साल के लिए नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। एक इन्फॉर्मेशन दे दूं बच्चों, रेसिडेंशियल स्टेटस जो है ना वो हर साल चेंज हो सकता है, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस स्टे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, आइए बच्चों इसके ऊपर के एप्लीकेशन देख लेते हैं, सम्स देखते हैं। तो हमने दो सम्स यहां पे लिए हुए हैं, ये पहला सम है, पहले क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करता हूं आपको और फिर इसके वर्किंग नोट्स कैसे बनेंगे वो भी आपको समझा देता हूं। मिस्टर ट्रंप ऑफ अमेरिका, तो क्या वो नॉन रेसिडेंट हो गया? नहीं, ट्रंप ऑफ अमेरिका मतलब नॉन रेसिडेंट नहीं, नॉन रेसिडेंट सिटीजनशिप से तय नहीं होता है। सो ट्रंप ऑफ अमेरिका केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ऑन 2nd December 2005, 2nd December को वो इंडिया में आया फॉर द पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग हिज फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस, एंड सिंस देन ही हैज लिव्ड इन इंडिया एज मेंशन बिलो। तो ये हर साल का बच्चों पिछले 2006 से लेके 2018 तक का ये पूरा डेटा दिया गया है ना, 2006 से 2018 का ये पूरा डेटा दिया गया है। तो 5-6 में वो कितने दिन था, 40 दिन था, 6-7 में कितने दिन था, 340 एंड सो ऑन। तो ये जो लास्ट ईयर है 17-18 में वो 170 दिन था। ठीक है, ऐसे पूरे साल का डेटा दिया है। इन प्रीवियस ईयर 18-19 ही केम टू इंडिया ऑन 22nd May एंड रिटर्न टू अमेरिका ऑन 7th August, अगेन ही केम टू इंडिया ऑन 3rd January एंड लेफ्ट फॉर US ऑन 13th of March। तो इसका रेसिडेंशियल स्टेटस हमें कैलकुलेट करना है मिस्टर ट्रंप का। ठीक है, तो इसका हमने वर्किंग नोट यहां पे बनाया हुआ है, तो
चलो आइए चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने एक वर्किंग नोट बनाया है, तो ये हम सॉल्व करने के लिए टोटल चार वर्किंग नोट लगेंगे बेटा। फर्स्ट वर्किंग नोट होगा कि इस साल में नंबर ऑफ डेज इन 1819, तो 18-19 में वो इंडिया में कितने दिन था। आइए देखते हैं यहाँ पे वो कब आया था। 22 मई को वो आया था इंडिया में, 22 मई ही केम। फिर 7 अगस्त को वापस चला गया, फिर 3 जनवरी को आया और 13 मार्च को वापस चला गया। अगर अवरली इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर ये दोनों इंडिया में है ऐसे हमें गिनना है। तो 22 में से 31 में 10 दिन होते हैं बच्चों। 31 माइनस 22 करोगे तो 9 आएगा, पर फिर हमें एक और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 22 भी काउंट करना है इंडिया में। तो मई के 10 दिन, फिर जून के 30 दिन, जुलाई के 31, अगस्त के 7 को वो चला गया था, तो अगस्त के 7 दिन। फिर उसके बाद कब वापस आया, जनवरी में आया और 13 मार्च को चला गया। तो मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वो इंडिया में नहीं था। जनवरी कब आया बच्चों, 3 जनवरी को आया। तो 3 से 31 कितने दिन होते हैं, 29 डेज वो इंडिया में था। फिर पूरा का पूरा ये तो दिसंबर में मैंने लिख दिया, तो दिसंबर में तो वो था ही नहीं, तो दिसंबर में नहीं था, पर जनवरी में 29 डेज वो था। फिर फरवरी में 28 डेज था। फरवरी 2019 है जो लीप ईयर नहीं है, इसीलिए फरवरी में वो 28 दिन था, और मार्च में वो 13 मार्च को वापस उड़ गया, तो 13। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो आप ऐड करिए, 10 + 30 + 31 + 7 + 29 + 28 + 13, तो 148 डेज उसका टोटल स्टे हो रहा है। कौन से साल में, प्रीवियस ईयर 1819 में। तो हमारा जो पहला कंडीशन है 61A का, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। 61A में 182 डेज तो वो होना चाहिए, तो 148 है तो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो फिर हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन में 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब 14-15 से लेके 17-18। क्वेश्चन में इसका डिटेल हमें रेडीमेड दिया गया है जो हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो ये है 14-15, 15-16, 16-17 और 17-18। तो 170 है 17-18 में, फिर 80 है, फिर 70 है और फिर 120 है। तो 170, उसके बाद 80, फिर 70 और फिर 120। तो इसको ऐड करते हैं, 170 + 80 + 70 + 120, तो कितना होता है बच्चों, 440 डेज होता है, विच इज मोर देन 365। मतलब यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है 61B का सेकेंड कंडीशन वो भी फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पे एक वर्किंग बनाते हैं हम, 61A। 61A में था कि स्टे 182 से या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये फुलफिल नहीं हो रहा है। नो, इट इज़ नॉट फुलफिल्ड, बिकॉज उसका स्टे इंडिया में सिर्फ 148 डेज था। तो ये क्योंकि फुलफिल नहीं हो रहा है, हम सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे। और सेकेंड कंडीशन में दो कंडीशन है, 61B1, जिसमें कहा गया है कि स्टे 60 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो वो तो 148 डेज था, तो ये फुलफिल हो रहा है, हाँ यस। और 61B2 बोलता है कि स्टे पिछले 4 साल का 365 डेज होना चाहिए, तो हमारा स्टे कितना हुआ, 440 डेज हुआ, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। तो मिस्टर ट्रंप जो हैं वो, मिस्टर ट्रंप, ये हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि वो प्रीवियस ईयर 1819 में रेसिडेंट हैं। एक काम हो गया बच्चों, 61B फुलफिल हो गया, 61B के फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए, तो मिस्टर ट्रंप जो हैं वो ये साल में रेसिडेंट है, ठीक है। इसके लिए हमने दो वर्किंग नोट बनाया, पहले से काम नहीं चला इसीलिए दूसरा बनाना पड़ा। आइए अभी एडिशनल कंडीशन देखते हैं। तो एडिशनल कंडीशन में जो दूसरा कंडीशन है वो मैं पहले ले रहा हूँ कि पिछले 7 सालों में कितने दिन था। तो बच्चों पिछले 4 साल का तो हमने लिया हुआ है 440, उसके आगे बढ़ जाते हैं 13, 14, 12, 13 और 11, 12,
तो 13-14 में कितने दिन था? 250 था, फिर 130 था और फिर 85 था. 250, 130 और 85. 250, 130 और 85. इसको अगर हम जोड़ देते हैं 440 प्लस 250 प्लस 130 और प्लस 85. सो दिस कम्स टू 905 डेज. पिछले 7 साल का टोटल उसका 905 डेज हो रहा है, जो 7 साल का टोटल 730 से ज़्यादा है. मतलब उसका ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है. अभी ये थोड़ा बड़ा वर्किंग नोट बनाया मैंने, रेसिडेंशियल स्टेटस पिछले 10 दिनों का. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा बनाने का ज़रूरत नहीं है, पर मैं क्योंकि आपको समझा रहा हूँ कि कैसे होता है इसीलिए मैंने पूरा बनाया हूँ. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेज लिख देता हूँ बच्चों. 170, 80, 70 और 120. 170, 80, 70 और 120. 13, 14 में है 250, 130, 85. 250, 130, 85. 11, 12. अच्छा, 10, 11 में था 230 और ये 220. 230, 220 और एक साल बच गया 40. ठीक है, तो हमें पिछले 10 साल में वो कौन से साल में रेसिडेंट था, कौन से साल में नॉन रेसिडेंट था, ये चेक करना है. तो एकदम सिंपल हिसाब करते हैं. जिस साल में 182 डेज से ज़्यादा था उस साल तो रेसिडेंट था, तो इधर वो रेसिडेंट है. क्यों भाई? क्योंकि ये 61A फुलफिल हो रहा है. फिर 182 कहाँ पे है? इधर है. इधर भी वो रेसिडेंट था क्योंकि 61A फुलफिल हो रहा है. इधर भी वो रेसिडेंट था क्योंकि वो 61A फुलफिल कर रहा है. अब देखा जाए तो हमारा 3 साल तो हो गया. कंडीशन में हमें 2 साल चाहिए कि कम से कम 2 साल. तो काम तो हो गया है, फिर भी थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं. क्या चेक करेंगे? जिस साल में वो 60 डेज से भी कम रहा है उस साल तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा. रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम 60 दिन तो रहना पड़ेगा. तो इधर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है इसीलिए वो नॉन रेसिडेंट हो गया. अब ये साल देखते हैं बच्चों. इधर 170 है, मतलब इस साल का 60 डेज तो फुलफिल हो रहा है और पिछले चार साल में वो रेसिडेंट है. तो यहाँ पे 61 भी फुलफिल हो रहा है. ऐसे ही अगर आप डिटेल में जाएंगे तो बाकी सब साल में वो रेसिडेंट हो रहा है बच्चों. ज़्यादा अभी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, पर ये देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 80 डेज मतलब 60 से ज़्यादा है और इसके लिए ये पिछले 4 साल होंगे. तो ये पिछले 4 साल का टोटल आपका 365 से ज़्यादा हो रहा है, तो इस साल भी वो रेसिडेंट हो रहा है. तो ऐसे करके हमें 10 साल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. अब आइए देखते हैं कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं. तो अपने 6-6 में क्या कंडीशन है बच्चों? पहला कंडीशन है दैट रेसिडेंट होना चाहिए कम से कम 2 साल में आउट ऑफ 10. तो हमने यहाँ पे देखा वो 9 साल रेसिडेंट है, तो ये फुलफिल हो रहा है. हाँ हो रहा है. इसके बाद दूसरा कंडीशन है एंड, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. तो 662 में क्या बोला गया है कि उसका स्टे 730 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए पिछले 7 साल में. और हमारा स्टे कितना हुआ था 7 साल का? 905 हुआ था, याद है? 905. तो 905 डेज का स्टे है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है. तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम? कंक्लूजन है कि मिस्टर ट्रंप इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19. वो रेसिडेंट भी हैं एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हैं. तो ऐसे आप इसको सिस्टमेटिकली लिख के सॉल्व कर सकते हैं. आइए सेकेंड सम देखते हैं. तो सेकेंड सम में मिस करीना कपूर, हु इज एन इंडियन सिटीजन है, वेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट टू मस्कत. नौकरी के लिए गई थी मस्कत ऑन 1 अप्रैल 14 एंड सिंस देन केम ऑन अ विजिट फॉर द फर्स्ट टाइम टू इंडिया ऑन 1 जुलाई 2018 एंड लेफ्ट फॉर मस्कत ऑन 15 दिसंबर. बच्चों सम सॉल्व करने के पहले ना आपको एक चेक करना चाहिए कि जो भी इंडिविजुअल है क्या वो स्पेशल इंडिविजुअल है या नहीं. स्पेशल से मेरा मतलब ये नहीं है करीना कपूर है इसलिए स्पेशल. स्पेशल इसलिए कि वो जो 3 कंडीशन हमने सीखी थी, इंडियन सिटीजन गोइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन गोइंग ऑन अ इंडियन शिप या इंडियन सिटीजन कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट, तो ये करीना कपूर 3rd कैटेगरी में फिट होती है. तो वो स्पेशल इंडिविजुअल है और स्पेशल इंडिविजुअल के लिए 61B का जो कंडीशन है
वो एप्लीकेबल नहीं है. मतलब स्पेशल इंडिविजुअल रेसिडेंट तभी होता है जब वो 6(1)(a) का कंडीशन फुलफिल करता है. तो देखते हैं करीना कपूर इस साल में कितने दिनों तक इंडिया में रही थी. तो मैं यहाँ पे मंथ्स लिख देता हूँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर. दिसंबर तक ही लिख रहा हूँ क्योंकि दिसंबर के बाद तो वापस आई नहीं है. तो 1 जुलाई को इंडिया में आई थी, तो जुलाई का पूरा महीना इंडिया में थी, 31 डेज हो जाएंगे. फिर अगस्त में भी फुल डे इंडिया, फुल मंथ इंडिया में थी, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर 15 को यहाँ से चली गई. तो दिसंबर के 15 दिन. तो अगर इसको हम ऐड कर देते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 150 हुआ. फिर 1, 2, 3 153 और 15 डेज ऐड करते हैं तो 168 डेज के लिए वो इंडिया में थी. एक और बार चेक कर लेते हैं, 31 + 31 + 62 + 30 + 31 + 30 + 15 सो 168 डेज वो इंडिया में थी. क्या वो 6(1)(a) फुलफिल कर रही है? 6(1)(a) में 182 डेज उसको कम से कम इंडिया में होना चाहिए, तो वो तो सिर्फ 168 डेज थी. इस केस में हमें 6(1)(b) चेक नहीं करना है. इसका मतलब करीना कपूर इज नॉन रेसिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर 18-19. आई होप आपको ये वीडियो से समझ आ गया होगा कि इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे गिनते हैं. पहले रेसिडेंट गिनते हैं, रेसिडेंट के लिए 6(1) का कंडीशन है जिसको बेसिक कंडीशन बोला जाता है, और रेसिडेंट गिनने के बाद हम ऑर्डिनरी है या नहीं वो चेक करते हैं, जिसके एडिशनल कंडीशन बोला जाता है सेक्शन 6(6) में है. पहला है 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए कम से कम आउट ऑफ 10, और दूसरा है पिछले 7 सालों का टोटल 730 होना चाहिए. ठीक है, ये हमारा सेकेंड वीडियो था बच्चों रेसिडेंशियल स्टेटस का. इसके बाद जो हम थर्ड वीडियो बनाने वाले हैं उसमें हम अदर देन इंडिविजुअल मतलब HUF है, फिर पार्टनरशिप फॉर्म है, लिमिटेड कंपनी है, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे. और उसके बाद वाले वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये सब हम क्यों सीख रहे हैं, स्कोप ऑफ इनकम जिसको बोलते हैं, कि कौन सा इनकम किसको कब टैक्सेबल होगा, वो इसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. हम रेगुलरली अपलोड करने वाले हैं वीडियो, बहुत ही आसानी से आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे. और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहे. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय.